हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ एक्सरसाइज 1.2 इंटीजर्स के बारे में बताएं। इसमें पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है इसमें। पहले क्वेश्चन में भी तीन क्वेश्चन है और फर्स्ट में सेकंड में भी तीन क्वेश्चन हैं, तो इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट डाउन अ पेयर इंटीजर्स, कोई दो पेयर इंटीजर्स लिखना है, दोनों का प्लस करने पर -7 आ जाए। ठीक है, तो पहला का आंसर जो है, कोई भी दो इंटीजर्स ले लो, आपको पता ही है ना इंटीजर्स किसे कहते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, और ये भी -1, -2 हो गया, -3। ये 0 से इधर वाले को क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स, और 0 से इधर वाले को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और इधर निगेटिव इंटीजर्स, तो समझ में आ गया इधर, लेकिन है सब 0। अब इनमें से दो ऐसे रकम लेना, दो ऐसी संख्या लेनी, दोनों को प्लस करने पर -7 आ जाए। दोनों को प्लस करने पर एक ले लो, क्या करना, एक दोनों को पहले हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, पहले का आंसर जो है, पहले हम इसको एक ब्रैकेट बना दिया, प्लस इसको भी ब्रैकेट बना दिया समझने के लिए। अब हम इसमें क्या लेंगे, माइनस की संख्या ज्यादा होनी चाहिए ना, तो इसलिए हम लेंगे 10 माइनस में ले लेंगे, और यहां पर ले लेंगे 3, प्लस का 3 ले लेंगे। इसको अब तो माइनस का 10 ही होगा, और प्लस प्लस को प्लस से मल्टीपल करेंगे तो प्लस का 3, तो माइनस का 7। तो एक तो पेयर ये हो सकता है, ये फर्स्ट एग्जांपल हो सकते हैं। सेकंड एग्जांपल में भी ले सकते हो आप, कि आप ले लो -4 प्लस -3, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, और प्लस को माइनस से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, -3। तो दोनों सेम रकम है ना, तो क्या हो जाता है, जब दोनों का साइन सेम होता है तो जमा हो जाता है ना, तो -7 हो जाएगा। तो ये दो पेयर हो गए, ऐसा इन्फिनिट पेयर से लिख लेंगे जिनका सम -7 के इक्वल हो, तो ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी आंसर लिख सकते हैं। तो दो पेयर बन गए ना, तो एक तो या तो -4 अपॉन -3 लिख सकते हो, और दूसरा नहीं तो -10 और 3 लिख सकते हो। ठीक है, और आप अपने तरीके से सॉल्व करोगे तो इससे अलग भी आंसर आ सकते हैं। अब आता है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस। सेकेंड में बता रहा है कि डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि दोनों को अगर हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, अब इसमें क्या संख्या रखेंगे, दोनों का डिफरेंस -7 हो जाए। ठीक है, तो एक ले लेते हैं, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, एक ले ले -4 और एक प्लस का 3 ले ले। ठीक है, अभी हो गया -4 और प्लस को माइनस से इंटू करेंगे तो -3, तो दोनों का कितना हो गया, -7 आ गया आंसर। ये भी आंसर हो सकता है। इसके अलावा अलग एग्जांपल लेना चाहोगे तो -10 ले लो और -3 ले लो, तो ये हो जाएगा -10 और +3, तो क्योंकि माइनस को माइनस से इंटू किया तो +3 आ गया, तो -7। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड हो गया, यानी कि सेकंड में कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हो, ये भी ले सकते हो -4 और +3 ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या करना है कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है, सम इज 0, तो अब यहाँ पे प्लस, सम का मतलब प्लस, 0 होना चाहिए, इसका रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो ये एक बार 2 ले लो, एक बार -2 ले लो। अब ये 2 प्लस -2 0, या -3 ले लो, एक +3 ले लो, एक -3 ले लो, इसमें भी आपका 3 -3 = 0। तो यहां पे 2 और -2 ले सकते हो, 3 -3 ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि राइट अ पेयर नेगेटिव इंटीजर्स, यहां पे लेना है नेगेटिव इंटीजर्स, यहां पे पॉजिटिव, इसमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हैं क्योंकि यहां पे कोई कंडीशन नहीं था, लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स व्हिच डिफरेंस इज 8, दोनों आपको नेगेटिव इंटीजर्स लेना है। इसका मतलब यह हो गया, यह ब्रैकेट में होना चाहिए और माइनस में भी नंबर इसके अंदर होना चाहिए और यह भी माइनस में होना चाहिए। ठीक है, और दोनों डिफरेंस लिखा हुआ ना यहाँ पे, डिफरेंस 8, और ये किसके बराबर होने चाहिए, तो 8 के, समझ में आ गया, 8 हमें लाना है कैसे भी करके। तो हम यहां पे रखेंगे क्या, पहले ये देखते हैं। तो यहां पे हम रखते हैं माइनस का
माइनस का 2 रख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 10 रख देते हैं, दोनों ये भी नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है, नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया माइनस 2 और प्लस को माइनस को माइनस से इंटू करेंगे तो प्लस का 10 हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया, तो ये आंसर आपका हो गया। ऐसे इन्फिनिट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो इसका रकम आप रखकर 8 निकाल सकते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए इसको वो करना, प्रैक्टिस करना, ताकि आपको अलग अलग तरीके से आंसर लिख लेंगे, ठीक है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, पेयर निकालना ना, तो पहला का आंसर यही होगा ना, एक तो हो जाएगा माइनस 2 और एक हो जाएगा माइनस का 10, ये पेयर का आंसर होगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर, ये तो ए हो गया, ए का आंसर है, अब बी का आंसर लेते हैं। इसमें क्या लेना है कि एक नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है, तो इसको भी हम ऐसे लेंगे, एक नेगेटिव लेना है और सम लेना है तो प्लस हो जाएगा, और ये पॉजिटिव लेना है, ठीक है, और रिजल्ट हमें क्या लाना है, माइनस 5। समझ में आ गया, एक नेगेटिव संख्या लेना, एक पॉजिटिव संख्या लेना, दोनों का सम 5 के माइनस 5 के बराबर हो। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहां पर ले लेंगे माइनस का 10 प्लस, और यहां ले लेंगे प्लस का 5। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो प्लस को माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस 10, और प्लस को प्लस से करेंगे तो प्लस का 5, तो दोनों क्या होगा, दोनों माइनस करेंगे ना, तो माइनस की संख्या ज्यादा है, इसलिए माइनस की 5 आंसर हो जाएगा। तो एक सेकेंड का ये पेयर जो है वो आप ये लिख सकते हो, माइनस 5 और सॉरी माइनस 10 और प्लस का, ठीक है, ये आपका पेयर, ऐसे इंफिनिट पेयर हो सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर सी, आप इसे नोट डाउन करते रहिएगा। अब सी में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कि डिफरेंस, डिफरेंस मींस माइनस 3 आना चाहिए। तो ऐसे ही टेबल बनाएंगे, पहले हम दोनों को ऐसे कर देंगे, माइनस ऐसे डिफरेंट हो गया, और एक को हम लेंगे, दोनों में लेना क्या हो, दोनों में निगेटिव और पॉजिटिव ही लेना है, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव, अब इसे निगेटिव लेना और ये पॉजिटिव लेना, और दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, माइनस 3 के इक्वल होना चाहिए, यानी 3 हमें आंसर लाना है। तो 3 आंसर लाना है, तो यहां पे हमें क्या रखना होगा, हमें यहां पे रखना होगा, कोई सा भी संख्या रख सकते हो, ठीक है, तो यहां रखो आप, यहां रख दो 7, ठीक है, यहां जैसे ही आप 7 रखोगे, अब यहां रखना पड़ेगा आपको 7, सेवंथ रखेंगे, नहीं सेवंथ यहाँ प्लस प्लस का 3 आना चाहिए, तो यहां पे मैं रखूंगा प्लस का 3 होना चाहिए ना, तो यहां रखते हैं 7th, और यहां रखेंगे, देखो कोई जरूरी नहीं है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रखना है, एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो सबसे पहले हम इधर पॉजिटिव ही रख देते हैं और इधर निगेटिव रख देते हैं। जब पॉजिटिव यहां रखेंगे 7, तो यहां निगेटिव हमें क्या रखना होगा, यहां रखना होगा आपको, यहां सही तो है, माइनस 7 रख दिया, यहां 10 रख दिया, ठीक है, ऐसा रख सकते हैं। अब ये क्या है, माइनस 7, और ये माइनस को प्लस से करेंगे तो 10, तो ये क्या हो जाएगा 3, तो ये आंसर आ सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, माइनस 6 रख दो, जब माइनस 6 रखेंगे तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, तो माइनस का 9 रख देंगे, अब इसको भी माइनस 6 और प्लस 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 आंसर होगा। तो ऐसे इन्फिनिट एग्जांपल्स होते हैं जिसका हम पेयर रख सकते हैं, क्या रखा था यहाँ पे, माइनस 7 और माइनस का, दोनों माइनस में रखा गया था जबकि प्लस में रखना है, नहीं नहीं गलत है, गलत आ गया इसका, सॉरी, एक बार दोबारा हम ट्राई मारते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रखना है हमें, ये हो गया, और ये डिफरेंस रखना है, यहाँ पे भी कुछ भी रख सकते हो, यहाँ हम रख देंगे 10 प्लस का लिख देते हैं, और यहाँ पर हमें माइनस लेना होगा, या यहाँ पे हम ले लेंगे प्लस का 1 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ले लेंगे माइनस का 2, तो हमें क्या लेना है, 3 लाना है ना, तो 1 और माइनस को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, तो कितना हो गया 3, क्योंकि माइनस को माइनस से इंटू करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ऐसे और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, ये 2 ले लो और
और ये हो जाएगा वन ले लो माइनस वन, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, टू और माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस वन, तो थ्री थ्री, ये बराबर हो गया। तो आप इसका पेयर लगा सकते हो वन माइनस टू या टू माइनस वन या थ्री जीरो, ये भी पेयर बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका वन और टू क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। थैंक यू।